वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल की और आपको बताएंगे कि यूपीपीसीएल में बहुत ही जल्द एई और जेई की वैकेंसी आने वाली है और इसका जो शासन से जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और ये वैकेंसी का रास्ता एकदम साफ हो गया है। इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि कितने पद आ रहे हैं और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है और क्या ये स्थायी है या अस्थायी, ये सब जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए कि यूपीपीसीएल में आ गई है जेई और एई की वैकेंसी। तो बात करें अगर इस वैकेंसी की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीपीसीएल में बहुत जल्द आपको जेई और एसडीओ की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, जेई और एई की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि 580 सीटें जेई की सैंक्शन हो चुकी हैं, स्वीकृत हो चुकी हैं और इसको बहुत ही जल्द अब भरा जाना है। तो इस वीडियो में आपको बात की जाएगी कि यूपीपीसीएल में जो भर्ती आ रही है उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है और ये जो वैकेंसी है ये कैसे मालूम पड़ा कि ये स्वीकृत हो चुकी है या फिर ये आने वाली है। तो आपके सामने एक स्क्रीन पर एक लेटर आ रहा होगा, इस लेटर में इस पेज में आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन, यानी ये जो लेटर है ये जो पेज है ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है। बात करें अगर कि इस लेटर में क्या लिखा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो दिनांक पड़ा है वो आपका है 5 अगस्त 2019, यानी ये जो लेटर है ये 5 अगस्त 2019 का है। और इसकी जो मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो आपकी जेई और एसडीओ की वैकेंसीज आ रही हैं और इसको जो पूरा करने के लिए, इसको फिल करने के लिए जो समय सीमा तय की गई है वो आपकी है 29 फरवरी 2020, यानी 29 फरवरी 2020 तक ये वैकेंसीज पूरी तरह फुलफिल कर ली जाएंगी, पूरी तरह भर ली जाएगी और जितने भी पद इसमें हैं वो पूरी तरह से भरे जा चुके होंगे। अब बात करते हैं कि जेई और एसडीओ की वैकेंसीज कितनी हैं और कितनी संख्या में है। बात करें अगर सबसे पहले एसडीओ की, तो एसडीओ की जो वैकेंसीज आ रही हैं वो है 395 वैकेंसीज। और उसके अलावा जो बात करते हैं अगर हम जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर की जो टोटल वैकेंसीज आ रही हैं वो आपकी आ रही हैं 580। बात करें अगर कि ये वैकेंसीज जो हैं ये स्थायी हैं या अस्थायी, ये स्थायी है या अस्थायी, ये एक बड़ा पेज है जो कि बहुत ही लोग कंफ्यूज हैं। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये अस्थायी है यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसीज हैं ये गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, ना कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। ये जो वैकेंसीज भरी जाएंगी ये स्थायी तौर पे भरी जाएगी। ये आपको जो शंका है ये इस वजह से उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये जो आपका लेटर है इसमें एक टर्म यूज किया गया है अस्थायी पदों की संख्या। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो ये अस्थायी पदों की संख्या है इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन इस संबंध में मुझे मिली है वो ये है कि जब तक एक साल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चाहे वो जेई हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो टीजीटू हो, वो प्रोबेशन पीरियड में रहता है, यानी वो एक तरीके का अस्थायी तौर पर कर्मचारी रहता है। जब एक साल उसका कंप्लीट हो जाता है तब वो परमानेंट कंप्लीट एक एम्प्लॉय बनता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जेई या एसडीओ में हो तो आप उससे इस बात की सत्यता आप पूछ सकते हैं और इस बात की सत्यता आप जान सकते हैं कि जो आपको जानकारी दी जा रही है वो सही है या नहीं। तो आप लोग में से जो ये सोच रहा है कि ये वैकेंसीज अस्थाई हैं तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो वो एकदम गलत सोच रहा है। वो जो है वो जो वैकेंसीज हैं वो एकदम गवर्नमेंट है और इसके दूसरा सबूत ये है कि इसमें अगर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता तो इसमें आपको पे बैंड ना दिया होता, ना ही आपको ग्रेड पे दिया होता। आपको दिया होता कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कितने आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपको बात कर रहा है, आप अगर टेबल में आप देखे थे तो आपको उसमें पे बैंड और ग्रेड पे आपको लिखा हुआ था। तो जहां पे गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं उसमें ही केवल पद के आगे ग्रेड पे और पे बैंड लिखा होता है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल होता है तो वहां पे केवल सैलरी का ऑप्शन होता है, ना कि ग्रेड पे और पे बैंड का। ओवरऑल इस वीडियो से ये निष्कर्ष निकलता है कि यूपीपीसीएल में आ गई है भर्ती जेई और एसडीओ की। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जरूरत है बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस से स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आपने इंग्लिश में किया हुआ है
या फिर अगर आपने किया है डिप्लोमा प्लस बीटेक और आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेई की, तो आप उसके लिए भी स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। उसके अलावा जेई और एसजीओ के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, और अगर आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे तो ये मौका बहुत ही अच्छा है। और इस जो मौका मिल रहा है आपको सिलेक्शन कराने का, इसको बिल्कुल हाथ से मत गवाइए, और इसमें अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करके आप लोग अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। जो लोग इस भर्ती में सफलता पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस वैकेंसी में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं जेई में, तो वो कैंडिडेट्स आकर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जेई की प्रिपरेशन कराई जाएगी और 3 से 4 महीने में आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप आएं और ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मंगवाया है तो इस नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और स्टडी मटेरियल अपने एड्रेस पे मंगवाएं। स्पीड पोस्ट से आपको आपके एड्रेस पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और दोस्तों को बताइए कि ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी स्थायी वैकेंसीज हैं, ये आपकी परमानेंट है, ना कि ये अस्थायी है, और ये गवर्नमेंट वैकेंसीज है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी एकदम नहीं है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। गुड लक ऑल ऑफ यू, आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सभी अच्छी से अच्छी तैयारी करें, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।